दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे अमेजिंग एप्स एंड टूल्स बताने वाला हूं जो आपको पहले से कई गुना ज्यादा स्मार्ट, फोकस्ड और हाईली प्रोडक्टिव इंसान बना सकता है। चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो या बिजनेस ओनर हो, आप सब लोगों को ये एप्स एंड टूल्स बहुत काम आने वाली है। देखो ये 3 ऐसी चीजें हैं जो किसी की लाइफ अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स में कम्प्लीटली चेंज कर सकती हैं अगर वो डेली इसमें 1% इम्प्रूव करे। नंबर 1 अपनी प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 सेल्फ लर्निंग, नंबर 3 हैबिट एंड फोकस। और आज के ये 5 ऐसे एप्स एंड टूल्स हैं जो इन तीनों को ड्रास्टिकली इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करेंगी। आजकल बड़े बड़े कंपनीज के फाउंडर से लेकर इन्फ्लुएंसर, कोचेज, कॉलेज स्टूडेंट हर कोई काफी यूज कर रहा है और अपनी लाइफ में मैसिव चेंज देख रहा है। इन एप्स को कैसे प्रॉपर यूज करना है वो तो बताऊंगा ही, साथ में आपको क्या क्या नहीं करना है वो भी बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही यूजफुल अपडेट है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, प्रोग्रामर, फुल स्टैक एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हो तो कोडिंग निंजा आपके लिए ऑफर कर रहा है एक अमेजिंग स्कॉलरशिप टेस्ट CNSET May 2022, जिसमें आप 50 से 60 हजार रुपए तक के कोर्सेज फ्री में पा सकते हो और अपनी लाइफ बदल सकते हो। यस 100% तक आप इनके कोर्सेज में ऑफ पा सकते हो, साथ में इस तरह के कोर्स गुडीज, कोडिंग बुक, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी जीत सकते हो। एक बेस्ट चीज ये भी है कि इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोडिंग आनी जरूरी नहीं है। इसमें 30 एप्टीट्यूड बेस्ड MCQ क्वेश्चंस होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप सब लोग टेस्ट दे सकते हो। पर आपको पता ही है कि आज के डेट में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई भी 12th पास बन सकता है अगर उसके अंदर सीखने की चाहत है तो। कोडिंग निंजा के कोर्सेज सभी टॉप नॉच होते हैं, इम्पैक्टफुल लर्निंग, 1-to-1 डाउट सॉल्व, डेडिकेटेड प्लेसमेंट, सेल सपोर्ट मिलता है, IIT फैंग में काम कर चुके टॉप एक्सपर्ट सिखाते हैं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट इस मई के महीने में 25th to 26th को होगा, तो काफी अच्छा मौका है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर लो, 99 रुपीज में आप ये टेस्ट दे सकते हो। बट अगर आप स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करोगे तो इसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप जस्ट 48 रुपीज में ये टेस्ट दे सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए आज के सपने सुपर यूजफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 अनहुक क्रोम एक्सटेंशन। दोस्तों अनहुक एक कमाल का फ्री क्रोम एक्सटेंशन है जो कि आपका काफी टाइम सेव कर सकता है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग YouTube पर सर्च करने जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और काफी कैची YouTube रिकमेंडेशन, फीड, शॉर्ट्स, वायरल न्यूज, इन सभी की वजह से इजिली डिस्ट्रैक्ट होकर घंटों इररेलेवेंट इंटरटेनिंग वीडियोस देखने लग जाते हैं। यहाँ तक कि हम ये भी भूल जाते हैं कि यार हम सर्च करने के आए थे। नो डाउट YouTube कुछ भी सीखने के लिए दुनिया का बेस्ट फ्री ऐप है। अगर आप इसको अच्छे से यूज करो तो ये आपकी लाइफ बदल सकता है, कुछ भी प्रो लेवल सिखा सकता है। बट मान लो आपके माइंड में आता है कि चलो यार YouTube से कुछ स्टॉक मार्केट के फ्री कोर्स सर्च करते हैं, तो इसके लिए आप YouTube ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके YouTube होम स्क्रीन पर काफी अट्रैक्टिव अलग अलग तरह के वीडियोस दिखते हैं, जैसे कैरी के वीडियोस आ गए, डांस, वायरल शॉर्ट्स, कुछ इस तरह के। तो पक्का चांस है कि आप किसी ना किसी पर क्लिक कर दोगे और जैसे आप क्लिक करते हो तो आप फिर घुसते जाते हो और अलग अलग टाइप के वीडियोस देखकर जो मेन काम था वो भूल जाते हो। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपका हेल्प करेगा अनहुक क्रोम एक्सटेंशन। ये YouTube होम फीड को, YouTube रिकमेंडेशन को पूरी तरह से हाइड कर देता है, बिल्कुल क्लियर फीड बना देता है। आप इजीली फोकस के साथ जो चाहो वो सर्च कर सकते हो। यहाँ तक कि ये साइड में जो भी रिकमेंडेशन आते हैं उसको भी हाइड कर देता है। सब्सक्राइबर, कॉमेंट, YouTube मिक्स, शॉर्ट वीडियोस, ट्रेंडिंग टैब, सब कुछ हाइड करके बिल्कुल प्लेन गूगल जैसा बना देगा। आप फोकस के साथ जो चाहो वो सर्च करो, वो देखो और अपना कीमती समय बचाओ। इस क्रोम एक्सटेंशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अपने ब्राउजर में इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। और हाँ, अगर आप अनहुक को अपने स्मार्टफोन में यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ये कीवी ब्राउजर इंस्टॉल करना होगा। ये एक ऐसा ब्राउजर है जो गूगल के सारे क्रोम एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है, तो आप इजिली अनहुक को इंस्टॉल कर सकते हो कीवी ब्राउजर में और कीवी ब्राउजर में यूट्यूब को इस तरह से एक्सेस कर सकती हो। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं अपने दूसरे टूल के बारे में, नंबर 2 नोशन। अब तक आपने इसके बारे में किसी न किसी वीडियो में तो सुनी लिया होगा। कुछ साल पहले तक लोग नोट टेकिंग, जर्नलिंग, हैबिट ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन सब के लिए अलग अलग टूल और एप्स यूज करते थे। बट अब ये सब कुछ अकेले एकदम बेस्ट वे में नोशन कर रहा है। नोशन एक सुपर क्लीन ऑल इन वन वर्क स्पेस एंड नोट टेकिंग ऐप है। इसमें इतने सारे कमाल के फीचर्स हैं दोस्तों जो आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा सकती हैं। आप अपने वर्क एंड लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, अमेजिंग नोट्स बना सकते हो, रोड मैप, टू डू लिस्ट बना सकते हो, हैबिट ट्रैक कर सकते हो, कुछ भी प्लान कर सकते हो, टास्क मैनेजमेंट, अदर लोगों के साथ ऑनलाइन कोलैबोरेट कर सकते हो। मतलब सेम पेज पर कई लोग ऑनलाइन काम करेंगे, कोई भी एडिट कर सकता है, किसी को आप हाइड कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। इसमें कानबान बोर्ड भी होता है जिससे आप किसी भी प्रोजेक्ट को इजिली मैनेज कर सकते हो, अलग अलग लोगों को टास्क दे सकते हो, सबके काम को ट्रैक कर सकते हो, जैसे कई फीचर्स हैं।
नोशन ऐप विंडोज मैक क्रोम एक्सटेंशन एंड्रॉयड iOS सब पर अवेलेबल है। आप अपने अकाउंट को हर जगह हर डिवाइस से एक्सेस कर सकती हो। सारा डेटा सब कुछ क्लाउड में स्टोर रहता है, कभी भी लॉस होने के चांसेस नहीं है और बहुत फास्ट सिंक्रोनाइज हो जाता है हर डिवाइस से। स्टार्टिंग में जब आप नोशन को पहली बार इंस्टॉल करोगे तो ये आपको एक नॉर्मल नोट टेकिंग ऐप की तरह लगेगा, बट इसमें आप कई सारे पेजेस बना सकते हो। पेजेस के अंदर कई सारे पेज बना सकते हो, सबका आइकन्स लगा सकते हो, हेडर लगा सकते हो और इसमें आप चेक बॉक्स, हेडिंग, बुलेट लिस्ट, टेबल व्यू, इस तरह के टॉगल्स, कोड्स, PDF, वीडियो, लिंक, इमेज, इवन प्रोग्रामिंग कोड सब कुछ ऐड कर सकते हो और ये डेटा नोशन ऐप पर लाइफ टाइम तक रहेगा। आप सारे डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो जब चाहो तब। इसमें ढेर सारे शॉर्टकट्स हैं जो आपके वर्क फ्लो को काफी फास्ट कर सकता है और हर एक चीज ब्लॉक होती है, मतलब आप किसी भी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव कर सकते हो। और बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने पेज को बहुत खूबसूरत बना सकते हो, आइकन लगा सकते हो, कवर चेंज कर सकते हो, सुंदर सुंदर लेआउट बना सकते हो। इसमें कैलेंडर व्यू का भी ऑप्शन है जिससे आप हैबिट ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकते हो। किसी भी चीज का आप टेम्पलेट बना सकते हो, जो चीज आप बार बार यूज करते हो, बार बार टाइप करते हो, उसका आप टेम्पलेट बना दो और आपको बार बार नहीं टाइप करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो इसको और पावरफुल बनाता है और वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कानबान बोर्ड। दोस्तों नोशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कानबान बोर्ड प्रोवाइड करता है जो कि एक गेम चेंजिंग फीचर है। एग्जाम्पल, मान लो मेरा एक प्रोजेक्ट है कि skillshare.com पर आफ्टर इफेक्ट का कोर्स लेकर आना है, तो आप देख सकते हो इस प्रोजेक्ट में जो भी प्रोसेस हैं वो सब एक छोटे छोटे ब्लॉक में यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो भी आप प्रोजेक्ट मैनेज करना चाहते हो उसका आप एक पेज बनाओ, प्रोजेक्ट का नाम लिखो और इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके बोर्ड व्यू पर क्लिक कर दो, फिर आपके सामने ऐसा कानबान बोर्ड बन जाएगा। आप देख सकते हो ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं इसमें आप टास्क लिख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने सारे स्टेप्स हैं, कितने सारे टास्क हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉट स्टार्टेड, यहाँ पर इन प्रोसेस और यहाँ पर कंप्लीटेड। अब इन छोटे छोटे टास्क को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ भी जिस कंडीशन में है वहाँ पर रख सकते हो, उस पर काम स्टार्ट करवा सकते हो। इस पूरे पेज को आप ईमेल के थ्रू अपने सारे टीम मेंबर को शेयर कर सकते हो, सब लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन प्रोसेस पेंडिंग है, कौन सा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कौन सा इन प्रोसेस में है। और यहाँ पर इस कार्ड के अंदर, ये कार्ड अपने आप एक पूरा पेज है, इसके अंदर कोई भी लिंक डाल सकते हैं, कोई भी कमेंट कर सकते हैं, कोई फाइल डाल सकते हैं। तो आप इस कार्ड को इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके किस कंडीशन में ये प्रोसेस है वो सब कुछ मैनेज कर सकते हो और इस पूरे प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। नोशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है, कई सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, उन सबको डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। दोस्तों सोचो, हम डेली बेसिस पर कितने नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, कितना नया कुछ सीखते हैं, गलती करते हैं, प्लान बनाते हैं, आइडियाज आते हैं मन में, उन सबको अगर हम नोशन पर पेज बनाकर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ रिकॉर्ड करें और वो डेटा हमें अगले 2-4 साल नहीं, अगले 10 साल 20 साल बाद भी मिल सके तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन एक बात का याद रखना दोस्तों कि लाइफ में जो भी छोटे छोटे डिसीजंस हैं उनको तो आप माइंड में ले सकते हो, लेकिन जो लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन हैं उसको कभी भी माइंड में नहीं लेना चाहिए। अगर आप माइंड में लोगे तो पक्का गलत डिसीजन लोगे। उसके लिए जो सबसे बेस्ट टूल है वो ना तो नोशन है, ना ही कोई नोट टेकिंग ऐप है। उसके लिए जो सबसे बेस्ट टूल है वो है पेन एंड पेपर। हमेशा माइंड मैप करके लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन लेना चाहिए और पेन एंड पेपर से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है माइंड मैपिंग के लिए। हाँ, एक काम कर सकते हो, जो भी आप पेन एंड पेपर पे माइंड मैप बनाए हो उसका फोटो क्लिक करके आप नोशन पे सेव कर लो, तो ये डेटा भी आप अगले 10, 20, 50 सालों तक एक्सेस कर सकते हो। प्राइसिंग की बात करें तो नोशन पर्सनल यूज के लिए बिल्कुल फ्री है। इवन आप फ्री प्लान में 5 लोगों की टीम में भी काम कर सकते हो। ऑलराइट, सो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे टूल की ओर, नंबर 3, गूगल शीट। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज, स्टार्टअप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से गूगल शीट पर मूव कर रही है। गूगल शीट बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर बन चुका है जो आपके लाइफ को बहुत प्रोडक्टिव और आसान बना सकता है, क्योंकि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, हर एक चीज क्लाउड में स्टोर हो रही होती है और लाइव एक सीट पर कई लोग काम कर सकते हैं। किसी को लिंक के थ्रू, ईमेल के थ्रू इनवाइट कर सकते हो सीट पर लाइव काम करने के लिए। और एक्सेल के ऑलमोस्ट सारे फीचर हैं, सारे फॉर्मूला हैं जिससे आप डेटा एनालाइज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। आपका सारा डेटा, सारा एडिटिंग हिस्ट्री ऑनलाइन स्टोर हो रहा होता है, कब आपने क्या एडिट किया है आप वो एक क्लिक में पूरा रिवीजन हिस्ट्री ही देख सकते हो। लिंक के थ्रू पूरा फाइल मैनेजमेंट एकदम आसानी से हो जाता है, कई सारे कमाल के प्लगइन्स मिलते हैं। गूगल हमेशा नए नए फीचर्स गूगल शीट्स में अपडेट करता रहता है। मान लो आपने कोई प्लान बनाया है, कोई बजट बनाया है, कोई स्केड्यूल बनाया है और आप चाहते हो कि आपके टीम के लोग इसको देखें, एडिट भी करें, बट आप ये भी चाहते हो कि ये वाला जो पर्टिकुलर सेल या कॉलम है उसको मेरे अलावा और कोई एडिट ना कर पाए, तो वो आप इजिली कर सकते हो एक क्लिक में। आप इसमें किसी भी सेल को, किसी भी एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हो और ईमेल आईडी के थ्रू उनको सबको ब्लॉक कर सकते हो उस एरिया को एडिट करने से।
गूगल सीट पर आप अनलिमिटेड चीजें कर सकते हो, आप अपना बजट बना सकते हो, फाइनेंशियल प्लान कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो, टीम मैनेज कर सकते हो, यहाँ तक कि गूगल सीट में ही आप टास्क भी दे सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो, पूरा प्रोसेस बना सकते हो, गूगल फॉर्म से लिंक करके ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और कमाल की बात यह है कि ये डेटा कभी लॉस नहीं होगा और कोई भी कुछ भी एडिट हुआ है दोबारा रिकवर किया जा सकता है। तो इस तरह गूगल सीट बहुत ही अंडररेटेड कमाल का सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। नंबर 4, कैनवा। आज के इस फास्ट ग्रोइंग डिजिटल वर्ल्ड में हर एक को कंटेंट क्रिएशन या बेसिक जो ग्राफिक डिजाइन है वो स्किल आनी चाहिए, क्योंकि तभी तो वो विजुअली भी कम्युनिकेट कर पाएगा। और ऐसे में कैनवा इज द बेस्ट टूल जो आपको आनी ही चाहिए, चाहे आपको रेज्यूमे बनाना हो, एग्रीमेंट, कंपनी का लोगो, बैनर, हेडर, लेटर हेड, शॉर्ट वीडियोस, रील्स, ट्रेनिंग पीपीटी, प्रेजेंटेशन, हर तरह के कॉन्टेंट डिजाइन करना हो, हर एक चीज के लिए आपका हेल्प करेगा कैनवा। इसमें हर तरह के लाखों फ्री टेम्पलेट्स की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप बेसिक एडिटिंग से एकदम प्रो लेवल हर तरह के ग्राफिक डिजाइन कर सकते हो, और वो भी फ्री में। ये भी एक कोलैबोरेटिव टूल है जिसमें सेम डिजाइन पर कई लोग काम कर सकते हैं, सबको दिखेगा लाइव कौन क्या एडिट कर रहा है, और सारे डिजाइन आपके सेव रहते हैं कैनवा क्लाउड पर, आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो। आजकल फ्रीलांसर्स, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स, कोच, ट्रेनर, कई लोग कैनवा को यूज करके कमाल के ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग इसे टेम्पलेट बना रहे हैं और उस टेम्पलेट को एज अ डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं और महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऑलराइट, सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 5, लूम। अगर आप एक टीचर, ट्रेनर, कॉन्टेंट क्रिएटर, कोच, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो आपके लिए ये टूल किसी मैजिक से कम नहीं है। अगर आपसे मैं ये पूछूं एक ट्रेनिंग वीडियो बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आप कहोगे कि एक अच्छा कैमरा चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, माइक चाहिए, बोर्ड, मार्कर, लाइटिंग, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता दोगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कुछ नहीं चाहिए, जस्ट एक लैपटॉप चाहिए, तो आप आश्चर्य हो जाओगे और कहोगे यार ये कैसे। तो देखो, बहुत आसान है, आपको लूम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, 80 MB का सॉफ्टवेयर है, इजिली इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसका क्रोम एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद रिकॉर्ड पर क्लिक करो, आपका वेबकैम ओपन हो जाएगा और आपका जो फेस है उसको और मॉडिफाई, इन्हांस करके एक बबल के रूप में यहाँ साइड में दिखाने लगेगा, जिसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ साइड में शॉर्टकट बटन भी है, एक क्लिक में जब चाहो तब स्क्रीन रिकॉर्ड को पॉज करो या दोबारा ऑन करो। यहाँ पर पेन और हाइलाइटर भी है, आप कुछ भी स्क्रीन पर हाइलाइट कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, लिख सकते हो, और ये ऑटोमेटिक कुछ समय बाद डिलीट भी हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर की एक खास बात यह भी है कि यह आपके आवाज़ को मॉडिफाई करके काफ़ी अच्छा और लाउड बना देता है, तो अगर आपके सिस्टम का माइक अच्छा नहीं है तब भी काम चल जाएगा। जो भी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है उसको आप इंस्टेंट यहीं से एडिट कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल एडिटर के। HD में डाउनलोड कर सकते हो और एक लिंक के थ्रू किसी को शेयर कर सकते हो। जो भी आप लूम पर रिकॉर्ड करते हो वो लूम के क्लाउड बेस में स्टोर हो रहा होता है आपका डेटा, तो जब चाहो तब आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इस टूल में और सारे कई कमाल के फीचर्स हैं जिन्हें आप 1x1 एक्सप्लोर कर सकते हो। इन सभी टूल्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसमें आप 25 वीडियोस फ्री में शूट कर सकते हो। एक वीडियो 5 मिनट्स की होगी, बट अगर आप चाहते हो कि एक प्रॉपर कोर्स बनाया जाए कई घंटों का, तो आप जस्ट $8 खर्च करके एक महीने का प्लान खरीद लो और उसमें सारा शूट कर लो, तो ज्यादा महंगा भी नहीं है। इन टूल्स को यूज करके आप ज्यादा फोकस और प्रोडक्टिव तभी बन पाओगे जब आपके अंदर फोन एडिक्शन न हो। अगर आप फोन एडिक्शन से परेशान हो तो आपको सबसे पहले ये कम करना चाहिए। फोन एडिक्शन किल करने का एक बेस्ट टिप दूं आपको, तो आप अपने फोन में ग्रे स्क्रीन सेटिंग कर दो। जैसे आप ये सेटिंग कर दोगे तो आपका सारा ऐप पूरा ग्रे हो जाएगा। जब भी आप अपना स्मार्टफोन यूज करोगे तो काफी बोरिंग लगेगा, कोई भी ऐप का कलर साइकोलॉजी आपको इफेक्ट नहीं करेगा और इस तरह आपका मन धीरे धीरे फोन से हटता जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कमेंट में बताओ कि इन 5 टूल्स में से कौन सा टूल आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और नया यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।